नमस्कार, अर्जुन प्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का, राष्ट्र की प्रगति से ही हमारी प्रगति और हमारा अस्तित्व। पीएम बोले, हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें ना हो भेदभाव, समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर खड़ा हो समाज। पीएम मोदी बोले, देश के लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ रही है भागीदारी। 2019 के चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने किया मतदान। अमृत महोत्सव में पीएम मोदी की मौजूदगी में बोले अशोक गहलोत, कहा देश में है हिंसा और तनाव का माहौल, हम चाहते हैं भाईचारा। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस के नए संस्करण का किया परीक्षण, ओडिशा के बालासोर तट से दागा गया प्रक्षेपात्र। नीट पीजी में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कहा मेरिट के खिलाफ नहीं है कोटा, केंद्र का फैसला सही। सोमनाथ मंदिर के पास कल सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 30 करोड़ रुपए की लगी है लागत, आधुनिक सुविधाओं से है लैस। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की सूची की जारी, सीएम धामी खटीमा से और मदन कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा ने गोवा चुनाव के लिए 34 प्रत्याशियों की सूची की जारी, परिकर के बेटे को नहीं मिला टिकट, सीएम प्रमोद सावंत लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल ने फिर दिया मनोहर परिकर के बेटे उत्पल को ऑफर, कहा आम आदमी पार्टी में शामिल होकर लड़ें चुनाव। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, इस लिस्ट में 16 महिलाओं को बनाया गया है प्रत्याशी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा को लगा एक और बड़ा झटका, मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद कुमार गुप्ता ने थामा भाजपा का दामन। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका मौर्या भी भाजपा में शामिल, कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर की थी मुख्य चेहरा। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, भाजपा में हो चुकी है शामिल। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया एक और ऐलान, कहा सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को किया जाएगा बहाल। जेवर से गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्होंने अपना नाम लिया वापस। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, कहा सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर सीट से लड़ूंगा चुनाव। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बसपा का दामन, मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रस्ताव पर दी मंजूरी। दुनिया भर में एक हफ्ते में कोरोना के बढ़े 20% से ज्यादा मामले, WHO ने चेताया जल्द आ सकते हैं नए खतरनाक वेरिएंट। शुद्धिकरण के लिए जल सत्याग्रह कर रही नूरी खान शिप्रा नदी में डूबी, समर्थकों ने कूद कर बचाई कांग्रेस नेत्री की जान, अस्पताल में भर्ती। बजट से पहले RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिए सुझाव, का आर्थिक ग्रोथ के लिए पॉलिसी में बदलाव करना जरूरी। पाकिस्तान के लाहौर में हुए बम धमाकों में 4 लोगों की गई जान, 22 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस और प्रशासन। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल की वजह से कई राजमार्ग रहेंगे बंद, सुबह 9 से 12 बजे तक यातायात बंद रखने की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी, तीसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में यूपी का प्रतिनिधित्व करेगी काशीनगरी। घाटी और लद्दाख में हो सकेगी दिल्ली पुलिस के अफसरों की पोस्टिंग, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जारी किया नया आदेश। अवैध वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया खुलासा, का एंटीलिया केस के बारे में पूछने पर कांप रहे थे परमवीर सिंह। महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले जीवन इंगले ने की अनोखी पहल, साइकिल पर पुस्तकालय लेकर लोगों में डाल रहे किताबें पढ़ने की आदत। सत्येंद्र जैन ने तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने की जताई उम्मीद, बोले अभी ये नहीं कह सकते कि हम खतरे से हैं बाहर। क्रिया मेडिकल की कोरोना जांच किट को ICMR ने दी मंजूरी, वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का पता लगाने में भी सक्षम है किट। नोएडा पुलिस ने गश्त के दौरान 3 साथी वाहन चोर किए गरफ्तार, थाना सूरजपुर पुलिस ने चोरी की गई 20 मोटरसाइकिलें की बरामद। राजस्थान सीएम गहलोत ने कर्ज न चुकाने वाले किसानों को दी राहत, कर्ज वसूली के लिए किसानों की जमीन नीलाम नहीं कर पाएंगे बैंक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हिंदू धर्म में शुरू किया PG पाठ्यक्रम, हिंदू धर्म के कई अज्ञात पहलुओं से अवगत होंगे दुनिया भर के लोग। राहुल ने अरुणाचल से किशोर के अपहरण पर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम की चुप्पी से साबित होता है कि घुसपैठ से उन्हें नहीं पड़ता फर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना से पैदा हुई स्थिति को बताया गंभीर, बोले COVID-19 से थक चुका है अमेरिका, फिर भी बेहतर स्थिति में लोग। हुती विद्रोहियों को फिर से आतंकवादी समूह घोषित करेगा अमेरिका, जो बाइडेन बोले UAE पर हुए हमले को नहीं किया जा सकता स्वीकार। अब ठाणे पुलिस ने काली चरण महाराज को किया गिरफ्तार, महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में की कार्रवाई। UAE की राजधानी अबू धाबी में हुए ड्रोन हमलों की भारत ने की कड़ी निंदा, TS त्रिमूर्ति ने हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन।
मध्य प्रदेश में शराब सस्ती करने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी सफाई, बोले शराब पीना बंद करना लोगों का दायित्व। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। पंजाब में कांग्रेस के वन टिकट वन फैमिली फार्मूले पर मचा घमासान, सांसद पुत्रों को टिकट मिलने के बाद कई नेताओं के बगावती तेवर। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला का, सर्वोच्च स्तर पर प्रदेश में बेरोजगारी, युवाओं के पास नहीं है काम। चेकिंग अभियान के दौरान बड़गाम में लश्कर का दहशतगर्द गिरफ्तार, सेब के बगीचे में बनाए गए ठिकाने से हथियार और अन्य सामग्री बरामद। फरवरी 2020 में हुए पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा केस में पहली सजा, आग लगाने वाले दंगाइयों में शामिल दिनेश यादव को 5 साल की जेल। साहिबाबाद सीट से कांग्रेस ने संगीता त्यागी को बनाया प्रत्याशी, दिवंगत कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की पत्नी कल दाखिल करेंगी नामांकन। कश्मीर में दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए नई रणनीति, जनवरी में अब तक मारे गए 14 दहशतगर्दों में 6 पाकिस्तानी। धूरी से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम पद के प्रत्याशी भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने दी जानकारी। एनजीटी को सौंपी गई पानीपत थर्मल पावर प्लांट की प्रदूषण रिपोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सैंपल जांच में भूजल तक मिला प्रभावित। आईसीसी ने किया साल 2021 की एक दिवसीय टीम का ऐलान, बाबर आजम को कमान, भारत के किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिली जगह। आईसीसी की टेस्ट टीम में रोहित अश्विन और पंत शामिल, इसमें सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।